सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं मौली प्रॉपर्टी सर्च तो गुरमन बोल रहा हूं। आज थोड़े वास्ते कोठी लेके आया टचिंग एयरपोर्ट रोड, PR7 एयरपोर्ट रोड बिल्कुल नाल है, बिल्कुल टचिंग हैगी है और लग्जरियस हाउस बनया 30x60 साइज है। जिवें कि तुहानू दिखाना चाहवांगा गार्डन जोन एरिया आ गया, लग्जरियस हाउस हैगा, तुसीं देख सकते हो। क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और सब तो अच्छी गल है कि PR रोड बिल्कुल नाल लगती है। आ हाईवे आ गया, ये आ गई अपनी एयरपोर्ट रोड, जिहड़ी आ कार जा रही है दोस्तों, सारी एयरपोर्ट रोड हैगी है, टचिंग हाईवे है कोठी। दोस्तों कार पार्किंग का कोई इशू नहीं है, बड़ी कार थोड़ी इत्थे लग जाती है और फ्रंट एलीवेशन ही तुसीं देख सकते हो, बहुत ही स्ट्रोंग एलीवेशन हैगा और इत्थे थोड़ी जिवें कि तुहानूं दसना चाहवांगा एक बड़ी कार अंदर लग जाती है। इत्थे थोड़ी चाहे बड़ी इनोवा कार भी लग जाती है। अगर मैं स्लाइडर गेट नूं पुश करदा ये वाला तो दोस्तों इतों गड्डी जी है थोड़ी एक बड़ी तो बड़ी कार इस साइड पर भी लग जाती है और क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तुसी काम देख सकते हो, प्रॉपर टाइल्स लगी हुई है और प्रॉपर जी है टाइल्स लगी हुई है। डोर भी तुसी देख सकते हो, हैवी डोर हैगा, डबल मोल्डिंग डबल जाली डोर दिता हुआ है और क्वालिटी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया दोस्तों। दोस्तों आप अंदर एंटर करते हैं, आ गई अपनी मेन एंट्रेंस जिवें कि तुम दिखा रहे हैं। सब तो अच्छी गल ए हैगी है कि आ पार्टीशन दी हुई है, एंटर करते एक साइड तो इतने गेट दिता, अगर कोई गैसट आ जाता है तो प्राइवेसी रहती है। तुम एल ते यू शेप के सोफा लगा सकते हो, यह आ जाता अपना सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया सैपरेट करता है एंट्रेंस तो एंटर करते ही। तो दोस्तों बाहरों भी सनलाइट आ रही है और बहुत ही अच्छा काम किया है, इतने शीशा लगाता है और इतने तुम फ्लावर पॉट्स रख सकते हो ते और आर पार भी दिखाई देता है। दोस्तों काफ़ी स्पेस हैगी है, तुसी बैड ते सोफा लगन तो बाद भी बहुत जगह बचती है। दोस्तों ये सीगी अपना ये पार्टीशन दिता हुआ इसका, जिहड़ा कि मैं उस साइड थोड़ा परली साइड दिखा रहा सी, तुसी अगर इस साइड देखते हो तो आ एरिया आ जाता। दोस्तों आ गया 6-सीटर, इतने डाइनिंग टेबल लगता है और सब तो अच्छी गल ये हैगी है, तुसी देख सकते हो वुडन वर्क बहुत ही अच्छा किया हुआ, इतने 6-सीटर डाइनिंग टेबल लग जाता है। आ किचन आ गई, एल शेप किचन हैगी है, नीचे लाइटिंग्स दी हुई है और आ भी बॉक्सिस दिते हुए हैं, तुसी जगह नूं भी यूटिलाइज कर सकते हो और किचन के विच भी बहुत सारे बॉक्सिस दिते हुए हैं। दोस्तों आ पेंट्री आ गई, पेंट्री देख सकते हो ये भी दी हुई ऑप्शन, ये नीचे भी सारे बॉक्सिस दिते हुए हैं। दोस्तों किचन काफ़ी अच्छी हैगी है, चिमनी की भी ऑप्शन दी हुई तुसी देख सकते हो दोस्तों, और थोड़ा दिखाना चाहवागा डबल शैंक भी दिता हुआ है। दोस्तों सामने भी 3 बॉक्सिस दिते हुए हैं, ये भी लाइटिंग दी हुई है। दोस्तों आ सामने जोड़ा है 6-सीटर जोड़ा है डाइनिंग टेबल आ जाता है और सामने थोन दसना चाहवागा आ भी सिटिंग एरिया आ जाता, इतने बुक्स रख सकते हो और जगह को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया हुआ है। दोस्तों तो दोस्तों लग्जरियस हाउस है, उपर भी तुसी देख सकते हो सारा वुडन वर्क होया, सामने भी तुसी देख सकते हो प्रॉपर जिहड़ा हैगा बॉक्सिस रखे हुए हैं, तुसी लाइब्रेरी बना सकते हो, स्टडी टेबल बना सकते हो और आ पार्टीशन दी हुई है। दोस्तों सेंटर च एक वॉशरूम दिता हुआ है, आ वॉशरूम जिहड़ा हैगा कॉमन हैगा, अगर कोई बैठा हुआ है तो अगर हैंड वॉश करना चाहता है तो सब तो अच्छी गल है कि ड्राइंग रूम के विच अगर कोई आता है इस जगह तो आता है तो हैंड वॉश कर सकता है, ये ऑप्शन दी हुई है ये विच। और ये रूम के विच भी जिहड़ा हैगा कॉमन दरवाजा दिता है, रूम के विच भी जिहड़ा हैगा ये यूज हो जाता। दोस्तों ये आ गया अपना पहला रूम, तुसी देख सकते हो पहला रूम हैगा, ये आ गया अपना LED पैनल, रूम साइज काफ़ी बड़े है, 30x60 साइज हैगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया रूम के, रूम काफ़ी बड़े रखे हैं और लाइट्स नाल बहुत प्यारा लग रहा है, देख सकते हो सामने LED पैनल आ गया। अटैच वॉशरूम है, वैनिटी दी हुई है, वॉशरूम सब तो अच्छी गल है कि टॉप तक टाइलिंग दी हुई है और रूम वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, सैनिटरी फिटिंग जी है वो मौके पर होगी। दोस्तों तो दोस्तों ये सीगा अपना पहला रूम, तुम देख सकते हो। दोस्तों हुण आपां चलदे सैकेंड रूम के, सैकेंड रूम आ गया, इस कपबोर्ड्स अंदर दी हुई जिसके कारण रूम साइज काफ़ी बड़ा हो जाता। दोस्तों आ गया अपना LED पैनल, उपर लाइट्स दी हुई है, उपर भी वुडन का काम होया हुआ है
और तुसी देख सकते हो काफी खुला है। तो आ जो डोर है इतों ही कपबोर्ड में जाता और जो वॉशरूम मैं कॉमन दसिया ड्रैंग रूम के रूम च यूज हो सकता है वह बनया हुआ है। आ जाता अपने ड्रैसिंग की ऑप्शन और आ सामने सारी कपबोर्ड्स आ गए तुसी देख सकते हो। कपबोर्ड्स जी है काफ़ी खुली हैगी है और आराम नाल समान रख सकते हो। आ कॉमन वॉशरूम आ गया जिहड़ा कि ड्रैंग रूम में जा रहा है जिहड़ा मैं तुहानू दिखाया सीगा दोस्तों। उधरों ड्रैंग रूम तू भी यूज़ कर सकता है कोई हैंड वॉश करना है और रूम तू भी यूज़ कर सकता है यूटिलाइज कर सकता है जगह नू। दोस्तों हुण आपां चलते हैं पिछले बेड़े च पिछला टैरस आ गया। आ तुहानू दिखा रहे हैं कि अब काफ़ी खुला हैगा उत्थे वॉशिंग एरिया आ जाएगा उपरों भी ओपन हैगा तुसी देख सकते हो तो काफ़ी खुला बनाया हुआ है पिछू दी एक वॉशरूम आता है बाकी सारा बेड़ा खाली है और वेंटिलेशन दे विच कोई भी दिक्कत नहीं है पिछू भी स्टेयर्स जी है उपर जा रही है दोस्तों। दोस्तों ड्यूपलैक्स हाउस है ये मेन एंट्रेंस हैगी है और आ देख सकते हो किचन आ गई और ये आ गई अपनी ड्राइंग रूम स्पेस। अंदरों स्टेयर्स जा रही है आ तुसी देख सकते हो आ गया अपना सिटिंग एरिया दोस्तों। हुण आपां फस्ट फ्लोर ते चलते हैं फस्ट फ्लोर भी तुहानू दिखा दिंदा जिवें मैं तुहानू दिखा रहा कि इहदे उत्ते सब तो अच्छी गल है कि झूमर दिता होया बहुत प्यारा लग रहा है उपरों भी जिहड़ा हैगा सारा लग्जरीअस घर बनाया जिहड़े हैगे मिरर नाल बहुत जिहड़ा हैगा लग्जरीअस लग रहा है दोस्तों। टफन गलास लग्या होया डबल मोल्डिंग स्टेयर्स हैगी है तुसी देख सकते हो दोस्तों। आ देख सकते हो झूमर नाल बहुत प्यारा लग रहा है उपर तक जिहड़ा हैगा वुडन होया होया दोस्तों। आ सामने आ गया तुसी देख सकते हो एलईडी पैनल बनया होया ते दोस्तों तुसी देख सकते हो आ गया अपना थर्ड रूम। थर्ड रूम भी सेम काफ़ी स्पेशियस हैगा और सब तो अच्छी गल ये हैगी है काफ़ी स्पेशियस है लाइट्स नाल बहुत प्यारा लग रहा है। सेम ये भी कपबोर्ड्स अंदर बनी हुई है तुसी देख सकते हो बोथ साइड कपबोर्ड्स दी हुई है थर्ड रूम के विच इस साइड भी दी है और इस साइड भी दी हुई है दोस्तों। अटैच थर्ड वॉशरूम आ जाता है काफ़ी खुला वॉशरूम है। दोस्तों उपर 3 BHK है आ मंदिर की ऑप्शन दी हुई है तुसी देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है नीचे भी बॉक्सिस दिते हुए हैं और इस जगह पर 3-4 बंदे ईजली बैठ सकते हैं और किचन की जी पेंट्री हैगी है भी दी हुई छोटी जी। और ये आ गया अपना फोर्थ रूम आ भी दिखा देना उपर सारी फॉल सीलिंग हुई हुई है और LED पैनल बनया हुआ तुसी देख सकते हो। आ है फुल साइज कपबोर्ड्स बनी हुई है और आ देख सकते हो तुसी LED बनया हुआ पैनल और आ लाइटिंग लगी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों आ हैगा काफ़ी बड़ा वॉशरूम हैगा फुल साइज टाइल्स लगी हुई है और सैनिटरी फिटिंग जी है मौके पर होगी। आ झूमर नाल बहुत प्यारा लग रहा है और उपरों की मैं लुक अगर थोड़ा दिखावा सारी लग्जरीअस लुक हैगी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई कोठी अपने लिए देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है सब तो अच्छी गल ये है कि क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और अंदर रह के थोड़ी जी है लग्जरीअस लुक आती है दोस्तों। ये आ गया दोस्तों ये आ गया अपना फिफ्थ रूम तुसी देख सकते हो उपर तक जी है फॉल सीलिंग हुई हुई है और थोड़ा दिखाना चाहवागा आ गया अपना फिफ्थ रूम। सेम इस दे विच भी जिहड़ा रूम दे विच कपबोर्ड्स नहीं है कपबोर्ड सामने दिती हुई है तुसी देख सकते हो फुल साइज जिहड़ी है कपबोर्ड्स दिती हुई है और ये ड्रेसिंग की ऑप्शन आ जाती है और ये आ गया अपना अटैच वॉशरूम तुसी देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये सी इसी तरह ये आ गया अपना फिफ्थ रूम। तो दोस्तों उपर 3 कमरे है एक बार मैं फिर दिखा दिना ये आ गया अपना थर्ड रूम तुसी देख सकते हो आ थर्ड रूम आ गया और ये आ गया अपना तुसी देख सकते हो मंदिर की ऑप्शन आ पेंट्री आ गई और इसी तरह आ गया अपना ये फोर्थ रूम आ तुसी देख सकते हो अटैच वॉशरूम 3 रूम्स नाल अटैच वॉशरूम है। और दोस्तों ये आ गया अपना
फिफ्थ रूम सेम अटैच वॉशरूम है, अंदर कपबोर्ड्स दी हैं और तुम देख सकते हो कम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया दोस्तों। तो दोस्तों ये लग्जरियस ड्यूप्लैक्स कार जोड़ा है थोड़ा हो सकता है, इस वास्ते तुम मैं कॉल करो 7986051479 से, मैं सबसक्राइब लाइक जरूर करो, थोड़े सपोर्ट तो आशीर्वाद की लड़ है। जब सबसक्राइब करोगे मेरे को मोहाली के भी बहुत सारे प्लॉट्स से कोठीज अवेलेबल है, तो सबसक्राइब करके मैनू बहुत सारी ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता मेरी वीडियो थोड़ा पसंद आई होगी, आप फिर मिलते हैं एक नवी वीडियो नाल। इस वीडियो देखने लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।